अपनापन। शीला जी के किचन से सुबह से ही पकवान की खुशबू आ रही थी। उनकी बेटी स्वरा ने उनसे आकर पूछा, मम्मी सुबह से कितना कुछ बना रही हो, आज कुछ खास है क्या? हाँ खास है, तुम्हें तो पता ही, आज तेरे भाभी और भाई आ रहे हैं, उनकी पसंद की चीजें बना रही हूँ। भाई की पसंद के खाना पकाना तो ठीक है, भाभी की पसंद की बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, मेरे लिए तो जैसे तुम हो वैसे ही तेरी भाभी। तुम भी परसों जब हॉस्टल से आई थी तब भी तो मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। माँ बेटी की तुलना बहू से कर रही हो, बेटियाँ आती है तो घर की रौनक लौट आती है। सही कहा तुमने, बेटियाँ आती है तो घर की रौनक लौट आती है, बहू भी तो किसी की बेटी ही है। अगर उसे हम प्यार अपनापन दे तो घर की रौनक हमेशा बरकरार रहेगी। एक और बात बेटा, माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान ही होते हैं, लेकिन माँ बहुओं के पसंद नापसंद का कौन ख्याल रखता है? मैंने बचपन से यही देखा है, पापा जब भी तीज त्योहार पे साड़ी ले आते, पहले दादी उसमें से ले लेती थी, फिर आपको मिलता। आपसे तो कोई नहीं पूछता कि आपको कौन सा पसंद है। हाँ मुझे नहीं पूछा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी वही करूँ। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी के ससुराल में भरपूर प्यार मान सम्मान मिले, परंतु जिस व्यवहार की उपेक्षा हम दूसरों से करते हैं उसका अनुसरण हमें भी तो करना चाहिए। तुम अपनी भाभी को मान सम्मान दोगी तो वो भी तुम्हें अपना समझेगी। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभाए जाते, नियम कायदे हमने ही बनाए हैं, समय के साथ हमें भी अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। स्वरा जब वहां से जाने लगी तो शीतल जी ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चल दी? आपकी बात पर अमल करने, भाभी की मन पसंदीदा हलवा बनाने। फिर माँ बेटी एक दूसरे को देख कर मुस्कुराने लगी। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।